ऐसी महामारी है जिसने न सिर्फ अमेरिका को, चाइना को, बल्कि पूरे विश्व को इस वक्त परेशान कर रखा है। लोग एक दूसरे से दूर हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं और दूरी बढ़ाने के, क्योंकि इस महामारी ने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। कुछ ऐसा ही दूरी का रिश्ता अब कायम हो गया है अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बीच में। तो क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ अपने देश के सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दे दी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका WHO पर लगातार COVID-19 को लेकर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाता रहा है। ये वैश्विक महामारी पिछले साल चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य संगठन के विश्व को गुमराह करने के कारण इस वायरस से दुनिया भर में 5 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 1,30,000 से अधिक लोग अमेरिका के ही हैं। ट्रंप प्रशासन के संबंधों की समीक्षा शुरू करने के बाद अमेरिका ने अप्रैल में ही WHO को कोष देना बंद कर दिया था। इसके एक महीने बाद ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। अमेरिका WHO को सबसे अधिक कोष $45 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष देता है, जबकि चीन का योगदान अमेरिका के योगदान के 10वें हिस्से के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक बयान में कहा कि मैं कह सकता हूं कि 6 जुलाई 2020 को अमेरिका ने महासचिव को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की आधिकारिक जानकारी दी, जो 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। डुजारिक ने कहा कि महासचिव WHO के साथ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि संगठन से हटने की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं कि नहीं। अमेरिका 21 जून 1948 से WHO संविधान का पक्षकार है। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि इतना पुराना रिश्ता किस तरीके से एक महामारी की वजह से टूट के बिखर गया। अमेरिका वो इकलौता ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा WHO को पहुंचाता था, और आज एक ऐसा दौर है जहां पर अमेरिका ने ही WHO से अपने आप का किनारा कर लिया है। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, नमस्कार।